की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली से ऐसी खबर आई है जिससे लोग और पुलिस भी हैरान है। दिल्ली के बुद्ध विहार में 2000 के नोट मिले, लेकिन लोगों को लगा कि ये कोरोना वायरस फैलाने की साजिश हो सकती है। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन नोटों पर पत्थर रख दिए, जिसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहा था, उसी दौरान उसकी जेब से 2000 के 7 नोट नीचे गिर गए। तफ्तीश करने के बाद पुलिस सारे नोट उस व्यक्ति को दे चुकी है। ईट रख दे, भाई रख दे, ईट रख दे। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन के एरिया में एक कॉल मिली कि कुछ 2000 रुपए के नोट जमीन पे पड़े हुए हैं। जब बीट कांस्टेबल वहां मौके पे पहुंचा तो उसने देखा कि 7 नोट 2000 रुपए के जमीन पे पड़े हुए हैं। एरिया में सारी बातों को वेरीफाई किया गया और जब ये बात आई कि इसको इन नोटों को हमें सील करना चाहिए पूरी प्रिकॉशन बरतते हुए, तभी वहां पे मृदंग शर्मा करके एक व्यक्ति आए। उन्होंने बताया कि ये नोट उनके हैं, गलती से उनकी जेब से गिर गए थे। उन्होंने पास के ही एक SBI ATM से 20,000 रुपए निकाले थे और निकालने के बाद जब वो पैसे जेब में रखने लगे तो वो उनके जेब से पैसे गिर गए। SHO बुद्ध विहार ने सारी बात की तहकीकात करी, तहकीकात करने के बाद ये नोट उनको वापस कर दिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फॉरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।